दोस्तों, भारतीय रिसर्चर्स ने एक बड़ी खोज को अनवेलिंग किया है जिससे दुनिया में खलबली मच गई है। इस खोज में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल ट्रैक एंड किल सुसाइड ड्रोन तैयार किया है, जो कि वास्तव में एक बड़ी कामयाबी है। ये ड्रोन विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि रिसर्च, सिक्योरिटी और लाइफ सेविंग। इस नए टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय रिसर्चर्स ने ट्रैक एंड किल सिस्टम को ड्रोन के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिससे ड्रोन अपने लक्ष्य को खोजने, ट्रैक करने और उसे नष्ट करने के लिए सक्षम हो गया है। यह यूनिक ड्रोन पोर्टेबल होने के साथ साथ किल सोसाइट के रूप में भी कार्य करता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को सख्ती से पकड़ सकता है। इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ने विश्व स्तरीय स्तर पर एक और बार अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस का लोहा मनवा दिया है। यह नया पोर्टेबल ट्रैक एंड किल सोसाइट ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट साबित हो सकता है, जो कि सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस टेक्नोलॉजी की व्यापक उपयोगिता के साथ साथ इसका लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ड्रोन तकनीक का उपयोग आजकल हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे कि सुरक्षा, व्यापार और प्रमोशन। हाल ही में भारत ने एक विशेष ड्रोन इनोवेशन की खोज की है, जो उसे अन्य ड्रोनों से अलग बनाता है। इस ड्रोन का उद्देश्य अद्वितीयता और भारत के सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस ड्रोन को एक विशेष प्रकार के सेंसिटिविटी और क्लीनलीनेस के लिए डिजाइन किया है, जो इसे अन्य ड्रोनों से अलग बनाता है। इस नए ड्रोन के डिजाइन में उपयोग किए गए एक्सेलेंट सेंसिटिव सेंसर्स के कारण यह अपने आप में एक नई कॉन्सेप्ट है। यह दुश्मनों के घातक से घातक ड्रोन को पल भर में नष्ट कर सकता है, यहां तक ईरान के द्वारा बनाए गए ड्रोन को भी टक्कर दे सकता है। यह ड्रोन किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है, जिससे इस ड्रोन को नील का पत्थर माना जा रहा है। इसके अलावा इस ड्रोन का उपयोग लोकल कम्युनिटीज की सुरक्षा में भी किया जा सकता है, जिससे यह भारतीय सरकार के सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। भारत ने इस ड्रोन इनोवेशन को पेटेंट करने का निर्णय लिया है, जिससे इसके टेक्नोलॉजी को अन्य देशों से सेफ रखा जा सकता है। यह न केवल भारतीय वैज्ञानिकों की एबिलिटी को प्रमोट करेगा, बल्कि भारत को भी टेक्निकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धुरी बनाएगा। इससे भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय कद को और भी मजबूत कर सकता है, क्योंकि यह ड्रोन विकास और इनोवेशन के क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की इस महत्वपूर्ण खोज के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यह खोज भारत के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल भारतीय सैनिकों की ताकत बढ़ेगी, बल्कि हम इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल भी हो रहे हैं, जो कल तक हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज हम हथियारों का एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, जो पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, पिछले कई सालों में हमने नोटिस किया है कि भारत के ऊपर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर्स पर कई बार ड्रोन से अटैक किए गए हैं। कई बार तो इतने खतरनाक ड्रोन से हमला किया गया है, जिससे काफी बड़े नुकसान भी हुए हैं, जिसमें से 80-90% ड्रोन को हमने रडार में पकड़ लिया है, बाकी के ड्रोन को हमने ड्रोन काउंटर मशीन से काउंटर कर दिया। ये ड्रोन हमले भारत की सुरक्षा के लिए एक चिंताजनक मुद्दा है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। हाईएस्ट सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी और मॉरल प्रोग्रेस की जरूरत है, साथ ही डिसिप्लिन एंड कोऑपरेशन के माध्यम से सीमा सुरक्षा में मजबूती भी बढ़ानी चाहिए। साथ ही भारत को अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस को और विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वह सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी और प्रतिकूल हो सके। इसके लिए नए और एडवांस्ड टेक्निकल मीन्स का अध्ययन और विकास किया जाना चाहिए, जो सीमा सुरक्षा को मजबूत और प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन कई बार ड्रोन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनको रडार भी स्कैन नहीं कर सकता, और चाइना ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। इसलिए हमें जरूरत पड़ रही है
एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो किसी भी तरीके के ड्रोन को आसानी से पकड़ सकता है, और ऐसा हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया है। केरला बेस इन्वेटर जिसका नाम है सीजे वर्गस, इन्होंने हैंड पोर्टेबल कामागाजी ड्रोन को डेवलप कर लिया है जो दुश्मनों के घर में घुसकर मारने में सक्षम बताया जा रहा है। जैसा कि इसका डिजाइन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें कई प्रकार के सेंसर्स को लगाया गया है, साथ ही ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जिससे रात हो या फिर किसी भी तरीके के वेदर कंडीशन में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट किया जा सकता है। इस ड्रोन की खासियत ये होगी कि ये ड्रोन को आसानी से न सिर्फ पकड़ सकता है बल्कि वहीं पर जाकर के उस ड्रोन को मारने की ताकत भी इसके अंदर तैयार की जा रही है। साथ ही आप पेटेंट प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं जहां पर इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया जा चुका है, ताकि कोई और देश भारत की तरफ से तैयार किए गए ट्रैक एंड किल सुसाइड ड्रोन्स को कॉपी न कर पाए। बात करें इस ड्रोन के कुछ हाईलाइट्स टेक्नोलॉजी की, तो इसके अंदर इमेजिनिंग कैमरा लगाए जाएंगे, थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी, इसके अलावा रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर सीमी ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। पेटेंट के बाद इसको बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने के लिए सोचा जा रहा है, साथ ही साथ यहां पर DRDO भी पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर किसी एक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को भी इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफर की जा सकती है। ह्यूमन हिस्ट्री के इस ईरा में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत तेजी से हो रहा है, और यह न केवल जीवन को सरल और सुखद बना रहा है बल्कि सुरक्षा क्षेत्र में भी नए संभावनाओं का दरवाजा खोल रहा है। भारतीय डिफेंस सेक्टर भी इस तकनीकी उत्थान के साथ कदम मिलाने का प्रयास कर रहा है, और एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो विशेष रूप से ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में है वहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ड्रोन्स अब एक प्रमुख रक्षा हथियार बन गए हैं और उनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्वेक्षण, गणितीय शोध, नक्शा बनाना और सर्वेलियंस। भारत ने भी ड्रोन्स के विकास और उपयोग में बड़ी प्रगति की है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है, उन्हें सुरक्षित रखना और अनधिकृत प्रवेश से बचाना। इसमें भारतीय डिफेंस के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जरूरत है जो किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने में मदद कर सकती है। एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है व्यू एंड फायर म्यूजिक। यह एक स्वचालित संजान और कार्रवाई प्रणाली है जो ड्रोन्स के संचालन को पहचानती है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई को आवश्यक जानकारी के साथ लेती है। यह तकनीक उन्हें अप्राकृतिक गतिविधियों और अनधिकृत प्रवेश को पहचानने में मदद कर सकती है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई को शुरू करने के लिए सुरक्षा बलों को सहायता प्रदान कर सकती है।